चलिए, ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे। अभी जो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का बात, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास है 16 क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसमें सातवां नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन में सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था कि कैसा था। देखिए, जैसा कि हम लोगों को बोलता है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर। देखिए, एबीसीडी एक स्क्वायर दिया गया हुआ है हमारे पास। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये एक स्क्वायर दिया गया हुआ है और बोलता क्या है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। साइड कितना सेंटीमीटर का है भैया? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ऐसे 14 14 14 का हमारा बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों को जो अगला बात कहता है, 14 सेंटीमीटर विथ द सेंटर ए बी सी एंड डी, फोर सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। मतलब कि कुछ इस प्रकार एक सर्कल बनाया गया है, इसके चार गो सर्कल बनाया गया है, इसके कॉर्नर से एक गो ये कॉर्नर से, एक गो ये कॉर्नर से, एक ये कॉर्नर से और एक जो है हमारा इस कॉर्नर से, ऐसे सर्कल्स बनाए गए हैं। तो ये जब सर्कल्स कॉर्नर से बनाए गए हैं तो ये वाला एरिया रिमेन रह गया, यही ना हमारा एरिया है जो रिमेन है। तो ये एरिया रिमेन्ड है तो हम लोगों को बोलता है कि निकाल के बताइए कि रिमेनिंग एरिया क्या होगा, ठीक है। क्या होगा रिमेनिंग एरिया, क्या आ रहा है, या एडेड ऑफ मतलब एरिया ऑफ साइडेड रीजन कह रहा है। तो कुछ भी करने से पहले आपका एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया में से ये क्वाड्रंट, ये क्वाड्रंट, ये क्वाड्रंट और ये क्वाड्रंट, चारों क्वाड्रंट्स के एरिया को अगर हम घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन मिलेगा क्या? तो चारों क्वाड्रंट्स के एरिया को हमें घटाना है। तो इसके लिए हम लोगों को बातें क्या करनी पड़ेगी, तो देखो हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं यहां पे कि पहले साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ हमारा स्क्वायर जो दिया है वो है 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब निकालिएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइड स्क्वायर होती है क्या, स्क्वायर का एरिया कितना होता है हमारा, साइड स्क्वायर। तो आपके कहने का मतलब यहां पे ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ 14 का स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? अब सोच के बताइए कितना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे का एरिया आ चुका है। अच्छा आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए कि ये वाला जो होगा, मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर होगा क्या? मतलब कि या टोटल 14 है तो यहां से यहां कितना होगा, 7, और यहां से यहां कितना होगा, 7, यहां से यहां कितना होगा, 7, यहां से यहां 7। तो हम एक बात यह कह सकते हैं कि रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल इज इक्वल टू साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बाई कितना होगा, 2, स्क्वायर के साइड का आधा। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसके लिए रेडियस जो हम लोग निकाल रहे हैं तो स्क्वायर कितना है, 14/2 कितना हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा कितना आ चुका है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा अब जो हम लोग बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स निकाल दें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स। तो ए गो का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ए गो का, तो चार गो का हम इंटू फोर कर देंगे। हा? तो आप एक बात सिंपल बात समझिए, एक टुक आधा, एक फिर आधा कितना हो जाएगा, पूरा हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये एक पूरा सर्कल बन के आ रहा है, तो पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी आप देख लीजिए, चार से चार कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए जो वैल्यू निकालिएगा तो 22/7 इंटू आर की जगह 7 × 7, 1/7 से 7 खत्म, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है हमारा। तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेंट्स का एरिया, चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया हम लोगों को कितना मिल रहा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। तो अब हम लोगों को रिमेनिंग एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करिएगा तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों को कितना मिला हुआ है बताइए, तो 196 और माइनस 154, इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा, 2, 9 में से 5 का कितना हो जाएगा 4, तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वाला हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब कैसे निकाले हैं, ऐसे मतलब कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से कहीं ना कहीं ऐसे, पहली वाला इंट्रोडक्शन में आपको हम क्या बताए थे, इंट्रोडक्शन में यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताए थे। दूसरा तरीका क्या था कि एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप का खेत है और उसमें से क्या करता है कि यहां पे भी बकरी ठोक दिए, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चारों कोना पे बकरी ठोक दिए, तो अब क्या करता है बकरी लमर लमर के चरेगी, इधर भी लमर लमर के, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों बगल से जब ये चरना शुरू करेगा तो ये बीच में जो एरिया होगा कहीं ना कहीं खेत का कुछ ऐसा भाग होगा जहां बकरी नहीं चर पाएगा। तो बोलता है फाइंड द एरिया विच इज अनग्रेज्ड, तो एरिया अनग्रेज्ड निकालने के लिए यही काम करते थे, और लेकिन इसमें दूसरा चीज दे दिया, मतलब सेम चीज है बस लैंग्वेज बदल दिया है, बात समझ में आ रहा है। अब जो हम अगली बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर कितना होने वाला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कैसे होगा हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये सारा चीज आप लोग घर पे कर पाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आया है, इसको देखिएगा, अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात है, ये देखिए क्या बात है, ये देखने के बाद आप भी कहिएगा क्या बात है, ठीक है, ऐसे ये एक बन रहा है ऐसा, और देखिए रनिंग ट्रैक जानते हैं ना, रनिंग ट्रैक क्या होता है, जैसे कि कहीं पे भी अगर रनिंग ट्रैक देखिएगा तो ऐसा ही बना हुआ रहता है रनिंग ट्रैक। तो देखिए ये ऐसे दौड़ने के लिए ग्राउंड बना हुआ है, उसमें रनिंग ट्रैक बना हुआ है, ऐसे ऐसे ये रनिंग ट्रैक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ऐसे ऐसा ही बना हुआ है। अब इसमें लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पहली बात तो आपको कहेगा कि एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक निकाल के बताइए, क्या बोल रहा है आपका एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक, मतलब ये वाला एरिया आप लोगों से कह रहा है निकाल के बताइए, यही ना आपका कह रहा है। उसके बाद दूसरा चीज आपका क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग विद द इनर एज। अब इनर एज से इसके मतलब कि अंदर से अगर यही लाइन पे अगर कोई आदमी चलेगा तो वो कितना दूरी ट्रैवल करेगा वो बताइए, समझ रहे हैं बात मेरा। तो ये कहता क्या है कि हम ना एक काम कर लेते हैं, यहां से ऐसे 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 हम थोड़ा मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, ये यहां से यहां तक स्ट्रेट हुआ है, यहां से तो सर्कल का कर्व पोर्शन आना शुरू हो गया है। अच्छा आप देखिए कि यहां से ऐसे 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 स्ट्रेट आया है और यहां से कर्व पोर्शन शुरू हो गया है, तो नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम क्या हो गया डी, इसका नाम क्या हो जाएगा ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा एच। अब देखिए कि अंदर वाला जो पोर्शन है उसका ब्रेथ जो है वो 60 सेंटीमीटर दिया है, कितने सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, अंदर वाले का ब्रेथ कितने सेंटीमीटर दिया है 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब हेयर एक बात समझ लीजिए, इसमें जब जाइएगा सॉल्यूशन में तो आपका बीसी का वैल्यू 60 दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है बीसी का वैल्यू कितना दे दिया है हमारा 60, और ट्रैक जो है, और ट्रैक जो है, ट्रैक ट्रैक कितना है 10 सेंटीमीटर वाइड है, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब यहां से यहां कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, बात समझ में आ रहा है, चौड़ा है, चौड़ा नहीं है, क्या है चौड़ा है। अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, हमारे कहने का मतलब बी से एफ की दूरी, ठीक है, किसके बी से एफ की दूरी 106 सेंटीमीटर दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है 106, मतलब जो एक सीधा ट्रैक जो बन के आ रहा है ना उसका कितना सेंटीमीटर दिया है, है? तो देखिए ये कितने इसके बी एफ है, देखिए तो बी एफ कितना हो जाएगा हमारा 106
6 सेंटीमीटर। देखिए इसके तो बात समझ में आ रहा है, तो इसका हो गया हमारा 106 सेंटीमीटर। यहां जी से सी भी कितना हो जाएगा, तब तो हमारा 106 सेंटीमीटर। बातें क्लियर है क्या? इतना कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। अच्छा, अब यहां पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे हमने लिख दिए हैं। अब इंस्ट्रक्शन के बाद आपको एक बात, अब यहां पे आंसर निकालना शुरू करना है। आंसर आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। आपका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया के लिए बात कर लेते हैं। क्या चीज के लिए? एरिया के लिए बात नहीं, एरिया नहीं, पहला चीज जो आप लोगों का कहता है लेंथ बताइए। तो आप बताइए कि ये जो हेयर बीसी इज द डायामीटर, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखिए तो होगा क्या, सेमी सर्कल का डायामीटर हो गया तो वो कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ इनर सर्किल, इनर सर्कल ये कितना होगा बताइए, तो 30 हो जाएगा क्या, 30 सेंटीमीटर सोच के बताइए। तो क्योंकि ये पूरा 60 था तो आधा कितना हो जाएगा, 30। तो आप एक बात समझिए कि कहीं ना कहीं यहां से यहां चला होगा तो ये तो सर्कमफ्रेंस होगा, और यहां से यहां चला होगा तो सर्कमफ्रेंस होगा। तो दो सेमी सर्कल्स को मिलाने पे हमारा एक क्या बन के आता है, पूरा सर्कल बन के आता है। दो सेमी सर्कल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पूरा सर्कल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का सेमी सर्कल, यहां से यहां तक का सेमी सर्कल। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो ये टू सेमी सर्कल्स का 2πr लिख पाएंगे क्या हम लोग, क्योंकि सर्कमफ्रेंस कितना होता है हमारा पूरा एक सर्कल का, 2πr, क्योंकि सेमी सर्कल क्या हो जाता है आपका, पूरा सर्कल। तो आप देख लीजिए इसके लिए वैल्यू करेंगे तो 2 into, और पाई के जगह वैल्यू हम लोगों को कितना रखना है, तो पाई के जगह हमें 22/7 ही रखनी है। तो 22/7 into r के जगह कितना हो जाएगा हमारा, 30। तो आप देख लीजिए गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा क्या, और ये हो जाएगा हमारा 1760/7 सेंटीमीटर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, 1760/7 इतना सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी पता चल चुका है, लेकिन यहां से यहां तक टोटल इनर लेंथ क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल इनर लेंथ। अब टोटल इनर लेंथ निकालने के लिए ये वाला पूरा सर्कुलर पोर्शन का एरिया, तो सर्कुलर पोर्शन का कितना दिया है लेंथ, 1760/7, और प्लस आप देखिए यहां से बी से एफ की दूरी और उसके बाद जी से सी की दूरी। तो आप देख सकते हैं बी से एफ की दूरी और जी से सी की दूरी, तो आप देखिए ये हो जाएगा 1760/7 अब प्लस 106 और प्लस 106, ये हो जाएगा 1760/7 और प्लस 212 लिख सकते हैं हम लोग, हाँ 212 लिख सकते हैं, 106 प्लस 106 कहाँ, ये वाला 1320 कैसे, 44 × 3, अच्छा सॉरी 44 × 3, तो ये तो हाँ 1320 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1320, हम वही लिखे हुए थे, देखिए आप लोग ध्यान से ये कितना हो जाएगा हमारा 1320। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम ले लेंगे 7, 1320 और इसको करिएगा कितना आ जाएगा 1484, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 2804, अब बाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतना ही हो गया हमारा लेंथ, मतलब कि इनर लेंथ निकालने के लिए बोला था, तो यहां से यहां तक का कुछ आया, यहां से यहां तक का कुछ आया, वो कितना आया है हमारा 1320/7 आ गया था, और यहां से यहां तक का 106 और यहां से यहां तक का 106, तो कितना हो जाएगा हमारा 212, दोनों को जोड़ दिए तो इनर लेंथ हम लोगों को पता चल चुका है। अच्छा एक बात समझिए, अब दूसरा वाले पोर्शन के लिए एक बात, यहां देखो अब दूसरा वाले पोर्शंस के लिए यहां पे एक बात समझिए, ये वाला आधा सर्कल और ये वाला आधा सर्कल दोनों को जोड़ दे क्या, तो देखो तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे वाला फिगर बन गया क्या, हाँ तो हम लोगों को यही वाला एरिया निकाल के बताना है क्या, हाँ तो ये यहां से यहां ये वाला और ये वाला का एरिया हम लोगों को मिल जाएगा क्या दोनों मिलाने के बाद, तो छोटका वाले का रेडियस हम लोगों को कितना पता है,
30, अब बड़का वाले का रेडियस कितना पता है 40, कैसे 40 पता है, क्योंकि ब्रेथ जो है वो 10 का है, तो यहां से यहां अगर 30 है तो यहां से यहां कितना होगा 40, तो हम लोग कह सकते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल क्या हो जाएगा हमारा, आउटर सर्कल, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को एरिया निकाल देना है, क्या निकाल देना है, एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग निकालिएगा तो कितना होता है पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर, यही होता है क्या, पाई इंटू बड़ो आर स्क्वायर माइनस छोटो आर स्क्वायर, तो पाई के जगह 22/7 और बड़ो आर स्क्वायर, तो बड़ो आर मतलब कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा हमारा 120 सॉरी 70 ना, ये हो जाएगा 70 अगुने कितना आ जाएगा हमारा 10, इससे ये कट गया कितने बार में 10 बार में, तो आप बताइए ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका खाली ये वाला का एरिया कितना मिला है हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दूसरा वाले का पोर्शन हम बताते हैं, आपका दूसरा पोर्शन आप कैसे कर पाइएगा, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा इधर पे यहां पे, अब जो यहां पे अगला पोर्शन जो हम लोगों को कह रहा है वो समझिए, तो ये वाला जो हमारा एक बन के आ रहा है यहां से आप देख लीजिए ऐसे ऐसे, ये ए हो गया और ये वाला हम डी मान लेते हैं, ये एच है और ये हमारा क्या है ई है, और अंदर में एक और रेक्टेंगल है, देखिए तो अंदर में एक और रेक्टेंगल है, इसका नाम बी है, इसका नाम एफ है, इसका नाम जी है और इसका नाम क्या है हमारा सी है, बात समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला एरिया ही ना निकाल के बताना है, सोच नहीं नहीं सॉरी 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 हमसे एक गलती एक गलती एक गलती और बहुत बड़ा गलती हुआ है, देखिए ये ऐसे है, इसी पे यहां पे एक है और एक यहां पे है, ऐसे ही ना बन रहा है हमारा, हाँ तो आप देख लीजिए ये ए है बी है सी है डी है ई है एफ है जी है एच है, अब देख लीजिए कि यहां से यहां तक का दूरी जो है हमें 60 दिया है और यहां से यहां तक का कितना दिया है 106 दिया है, तो आपका बोलता है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यही ना कहता है, तो आप देखिए लेंथ ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, बड़का जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ भी कितना होगा 106 ही होगा और जो बड़का रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ कितना होगा, तो 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 80, बोलो आया कि नहीं आया, तो हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे रेक्टेंगल ए ई एच डी, ये कितना हो जाएगा हमारा लेंथ 106 हो जाएगा और उसके बाद ब्रेथ कितना हो जाएगा, विड्थ कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 10 प्लस 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 80 सेंटीमीटर, ये हमारा जो हो गया है ये टोटल 80 हो गया है, तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन की, क्या चीज की बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो पूरे में से ये वाले का एरिया घटा देंगे, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन जो होगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन बड़का वाले का क्या करेंगे 106 अगुने कितना हो जाएगा 80, अब माइनस छोटका वाले का कितना हो जाएगा 106 अगुने कितना हो जाएगा 60, दोनों में से 106 कॉमन कर लेंगे तो 80 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 60, तो 106 गुने 20 हो जाएगा हमारा, हाँ अब देखिए इनको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 212 20, 2120 आ जाएगा हमारा, तो इसका एरिया 2120 मतलब ये वाला एरिया भी हमें मिल चुका है, ये वाला एरिया भी मिल चुका है, ये वाला भी एरिया मिल चुका है, सो द टोटल साइडेड रीजन क्या लिखेंगे हम लोग टोटल साइडेड रीजन, तो देखिए ये हो जाएगा टोटल साइडेड रीजन इज इक्वल टू 2200 प्लस 2120, जोड़ देंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 202 और ये कितना हो जाएगा 3 4 कितना हो जाएगा 4320, कितना आ जाएगा हमारा
4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ साइडेड रीजन। ये थोड़ा लंबा था लेकिन समझने की दिक्कत मतलब जरूरत है, क्योंकि इसमें दो दो क्वेश्चन एक बार में पूछा है, ठीक है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा समझने की जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उन लोगों को ये करने में। ये हो जाएगा, बोलिए एक बार और समझा दे कि समझ में आ गया है। आ गया है, नहीं आया है? अरे बोलो, आया है समझ में? आया है, हाथ उठाओ तो। कितने आदमी को आ गया, हाथ उठाओ। हाँ, दो मिनट।